अक्षय की हीरोइन और लकी चार्म कैटरीना कैफ आजकल काफी बिजी है। जी नहीं, अपनी फिल्म सूर्यवंशी को लेकर नहीं बल्कि अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्टर सुपर एक्साइटेड है। और अली अब्बास जफर और कैटरीना कैफ ने कई फिल्मों में साथ में काम किया है और लगभग सारी उनकी फिल्म शानदार साबित हुई है। काफी टाइम से दोनों को लेकर चर्चा थी कि वो एक फिल्म में फिर साथ नजर आने वाले हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं अली अब्बास जफर की सुपर हीरो फिल्म की, जिसमें कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आने वाली हैं। बताया जा रहा है कि अली अब्बास का ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा होने वाला है। अब इस फिल्म को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जो कि कैटरीना कैफ के फैंस के लिए किसी धमाके से कम नहीं है। तो जनाब, खबर ये है कि इस फिल्म की शूटिंग अली 2021 से शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए तेजी से वो तैयारियों में भी लग चुके हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अब्बास जफर मशहूर हैं अपनी शानदार फिल्मों के लिए। अली ऐसी मूवीज बनाते हैं कि सभी उनकी फिल्मों को देखने पर मजबूर हो जाए। वैसे आपको बता दें कि फिल्म टाइगर जिंदा है में कैट ने जो एक्शन सीक्वेंस किया था, वो एक्शन सीक्वेंस अली अब्बास जफर ने ही फिल्माया था। जी हाँ, उन्हीं के कहने पर कैटरीना ने इतना जबरदस्त एक्शन फिल्म में करके दिखाया था। वैसे ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सबसे पहले फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन में अली अब्बास जफर की जोड़ी कैटरीना कैफ के साथ बनी थी, जो कि सुपर हिट साबित हुई थी। और अब फैंस के लिए कैटरीना का सुपर हीरोइन वाला अवतार देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल बात करें अभी की, तो फैंस को उनकी और अक्षय के साथ वाली फिल्म सूर्यवंशी का काफी बेसब्री से इंतजार है। अब देखना ये होगा कि फैंस की डिमांड मेकर्स कब पूरी करते हैं और कब सूर्यवंशी को लेकर वो धमाका करते हैं।